नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हैं वो हिलसा है और यहाँ पे अभी अभी LJP की एक बड़ी जनसभा खत्म हुई है। चिराग पासवान ने इस जनसभा को संबोधित किया है। इस जनसभा की खास बात ये रही कि चिराग पासवान ने दावा किया कि इस बार नीतीश जी की खैर नहीं है और उनकी कुर्सी जानी तय है। हम आपको बता दें, हिलसा विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे डॉक्टर रंजीत सिंह की पत्नी दीपिका सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करती हैं। मैडम, जिस तरह से अभी यहाँ पे विशाल जनसभा हुई, बहुत बड़ी संख्या में जनता यहाँ आई थी, कैसा लग रहा है रैली को देख करके, इतने लोगों को जो आपकी जनसभा में आए? रैली को देख करके तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जनसैलाब डॉक्टर रंजीत जी के पीछे है। पूरा समर्थन, सभी आयु वर्ग के लोगों का समर्थन इनको मिल रहा है। मैं खुद गांव-गांव जाकर लोगों से अपने पति के लिए वोट मांग रही हूं, और जब मैं पिछले विधानसभा चुनाव लड़ी थी उससे बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जीत पक्की है, लग नहीं रहा, पूरा समर्थन है लोगों का, सभी आयु वर्ग के लोग का समर्थन है, सभी समाज का समर्थन है। वैसे समाज चाहे जो भी, हम लोग जात पात के आधार पर तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का मानना ही है कि हम लोग को जाति धर्म के सवाल पर चुनाव नहीं लड़ना है, एक ही पार्टी है, गरीब का विकास करना है हमें। ये बताएं कि आप भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन आप खुद कह रही कि ये अपार भीड़ देख करके पहले ही लग रहा है कि जीत पक्की है। चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं कि इस बार नीतीश जी की कुर्सी जानी तय है। आपका व्यक्तिगत अनुभव जो है, आप गांव में गए हैं तो किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड दे रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत तौर पे जो अनुभव है, मैं पिछले बार चूँकि विधानसभा चुनाव लड़ी थी और घूम रही थी गाँव-गाँव जाकर, उस समय से काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और मैं जब गाँव-गाँव जाती हूँ तो सब सुनाने लगते हैं कि अभी विकास, जब वोट मांगने आते हैं लोग तो वोट मांगते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते नहीं है। तो अब जान सकते हैं कि मतलब जनता में कैसा रोष है कि 5 साल पिछले बार हम शक्ति यादव जी से हारे थे, दूसरे नंबर पे मैं रही थी, लेकिन उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। और जो नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कहलाते हैं, शराबबंदी करवाए हैं, और अभी गांव में जाइएगा 5 बजते जो भी शराब का सेवन करते हैं, तो हर गांव में आपको शराब का सेवन करने वाले लोग मिलेंगे। हर गांव में भट्टी है शराब की। अब गांव पहले जैसा रहने लायक नहीं है। और नली गली की जो बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं सरकार से कि जो आज़ादी के 72-73 साल बाद भी अभी नली गली पर ही अटके हुए हैं, बाकी विकास तो छोड़ दीजिए, और नली गली पे अटके हुए, नली गली का विकास हुआ ही नहीं। और बाकी शिक्षा बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं। और मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय, और हमारे जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि ये नीतीश सरकार युवा विरोधी है, तो मैं भी इससे सहमत हूँ। आप नीतीश सरकार को युवा विरोधी कह रही हैं, ये बताएं कि जिस तरह से नीतीश जी को लेकर के तमाम लोगों में बहुत गुस्सा है, आप खुद कह रही हैं कि लोग शराब पी के टल्ली रहते हैं, गांव में भी होम डिलीवरी की बात करते हैं लोग, ये बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि ये शराबबंदी करके बहुत ही ख़राब हो गया, कि पहले से ज़्यादा शराब का सेवन लोग कर रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, उनका मानना है, मेरा व्यक्तिगत ये राय नहीं है, उनका मानना है कि जो गांव में जब जा रही हूँ तो उन लोगों का बोलना है कि जो मैडम 1 रुपया खर्च होता था, जो अभी 4 रुपया खर्च होता है, तो बताइए कि शराबबंदी का फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल, और बड़ी संख्या में जो है लोगों को जेल भी जाना पड़ा है। कहा जा रहा है कि सरकार जो है नीतीश जी की, उसका जाना तय है। ऑफ कोर्स जाना तय है, 100%। जी, शराब की बात हो रही थी, आप खुद महिला हैं, जिस तरह से आपका खुद अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मतलब समाज के आप एक नेत्री के तौर पे घूमती हैं, तो जो शराबबंदी है, बड़ी संख्या में दलित पिछड़े के लोग जो है जेल गए हैं, और इसका भी गुस्सा है कहीं ना कहीं लोगों में, बहुत जगह इसका गुस्सा है। जो महिलाएं पहले नीतीश सरकार को वाह-वाह कर रही थी कि नहीं, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है शराबबंदी को लेकर, लेकिन इस बार महिलाएं भी बोल रही हैं
कि शराबबंदी हुआ कहाँ, गांव-गांव में भट्टी को रहने, बहु बेटियों को रहने के जगह ही नहीं बची है गांव में। आपकी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करती है, आप गांव में जा रहे थे, कितना रिस्पॉन्ड मिल रहा है इसका, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का? खासकर जो युवा वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनका मानना है कि चिराग पासवान जी सत्ता में आए तभी बिहार का विकास होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिनको अभी टिकट दिए हैं, खासकर जनता में बहुत रोष है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिए हैं जो अपना विकास अपना तो देख ही नहीं सकते, तो जनता का क्या विकास करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव 10 तारीख के बाद जो है बिहार में LJP और BJP की सरकार बन जाए? एकदम 100% पक्का। से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी दीपिका सिंह, हिलसा से LJP प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत की पत्नी हैं और ये खुद पिछली बार विधानसभा की चुनाव लड़ चुकी हैं, जिनका कहना था कि इस बार बिहार में परिवर्तन तय है और 10 तारीख के बाद बिहार में BJP और LJP की सरकार भी निश्चित है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, हिलसा।